जब हम रिलेशन में होते हैं, लड़कियां कुछ दिनों के बाद ही शादी के लिए हमें प्रेशर करती है। वो कहती है घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं, जल्दी कुछ करो। तो लड़के कहते हैं जानू हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम मेरी सबसे अच्छी वाली दोस्त हो, हम ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करेंगे। या फिर वो कहते हैं मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। दोनों ही मामले में लड़की लड़के को छोड़ देती है, क्योंकि लड़का क्लियर नहीं है कि वो फ्यूचर में क्या चाहता है। कुछ लड़के कहते हैं अच्छा सेटल जॉब मिल जाए उसके बाद शादी करेंगे। जब लड़का एक दो साल जॉब के पीछे पागल हुआ होता है, अपने करियर के पीछे भाग रहा होता है, तो लड़की दिखावे के तौर पर लड़के के साथ होती है, लेकिन मौका मिलते ही या दूसरा कोई ऑप्शन मिलते ही ऐसे लड़कों को भी लड़की छोड़ देती है। तो आज हम जान लेते हैं ऐसा 3 फॉर्मूला जो शादी के बिना ही जब तक चाहो बस प्यार ही चला सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सिलसिला प्यार का चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाकर बने रहो ताकि प्राइवेट वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गोल्डन रूल है बातें कम करनी है, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो खुद से सवाल करो, तुम जिस लड़की के साथ रिलेशन में हो क्या तुम सारी जिंदगी उस लड़की को झेलने के लिए तैयार हो, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो बातें कम करनी है, लड़की शादी के लिए फोर्स ना करे इसलिए जरूरी है कि बातें कम करनी है, क्योंकि जब तुम दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे को शेयर कर चुके होते हो, एक दूसरे की पसंद नापसंद अच्छी तरीके से जान चुके होते हो, जब दोनों के पास और कोई टॉपिक नहीं बचता तब तुम रोमांटिक और एक दूसरे के साथ सपनों की बातें करते हो, जब तुम दोनों दिखा देते हो कि तुम एक दूसरे को खोने से डरते हो, तब वो जल्दी जल्दी तुम्हें पाना चाहती है, वो इन सपनों को सच करना चाहती है। उसे इस बात की खुशी तो होती है कि तुम्हारे साथ उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, पर वो डरती भी है कहीं तुम उसे धोखा ना दे दो। जब बातें बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो रिश्तों में उम्मीद ढूंढने लगती है और हक भी जताने लगती है, एक दूसरे को पूरी तरह से पाने के लिए शादी की बात हो जाती है, इसी वजह से बातें कम करनी है। दूसरा गोल्डन रूल है पब्लिक प्लेस से दूर रहना है। ज्यादातर मामले में जब कोई रिलेशन शुरू होता है तो वो रेस्टोरेंट पार्क मूवी वगैरह में घूमने जाते हैं और वहाँ उन पर नजर रखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा ना हो पर लड़कियों की खबर हर कोई रखता है, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, तुम उसे घुमाने ले जाते हो और मौका मिलते ही एक दूसरे को छूना गले लगाना शुरू कर देते हो। जंगल पहाड़ के पीछे नदी के किनारे कहीं भी मौका मिले तुम उसे छूने किस करने लगते हो। तुमने भी नोटिस किया होगा ऐसी जगह पर डर कितना लगता है, और वो तो लड़की है यार, लड़की अब बिना किसी डर से वो सब कुछ करना चाहती है। अगर तुम्हारा कोई सीक्रेट रूम हो जहाँ तुम दोनों बिना किसी डर से हम बिस्तर हो सकते हो तो लड़की तुमसे कभी शादी की बात नहीं करेगी। देखो लड़कियां दिन भर शादी के बारे में ही सोच रही होती है, अगर तुम चुपचाप उसके साथ सब कुछ कर चुके हो तब भी बहुत बार होता है कि तुम दोनों को सही टाइम पर सही जगह नहीं मिल पाता, और लड़की यही चीज तुमसे पाने के लिए तुम्हें शादी के लिए फोर्स करती रहती है। तुम लड़की की सीक्रेट बॉयफ्रेंड हो तो लड़की तुमसे कभी शादी की बात नहीं करेगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली लाइफ लड़कों से ज्यादा लड़कियां पसंद करती है, वो बहुत ज्यादा इंजॉय करती है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें एक दूसरे के साथ फोटो में भी नजर नहीं आना है। तीसरा गोल्डन रूल है खुद के काम में ध्यान दो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि लड़की की हेल्प करने से तुम्हारा रिश्ता और गहरा होगा। कुछ लड़के तो ऐसा सोचते हैं कि लड़की से मुलाकात हो जाएगी या लड़की के साथ रह पाएंगे, इसी वजह से वो लड़की के काम में टांग अड़ाते हैं। देखो होता क्या है, लड़का लड़की की इतना हेल्प कर देता है, लड़की का कोई भी काम है वो खुद नहीं करती, बस वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है और काम हो जाता है। गौर करो तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि तुम्हें अपना काम छोड़कर उसका काम भी करना पड़ता है। तुम यहाँ लड़की का काम कर रहे होते हो और लड़की वहाँ बोर हो रही होती है तो वो किसी और के साथ एंजॉय करने चली जाती है, तुम्हारी हालत नौकर जैसी हो जाती है, बस तुम काम के टाइम पर ही याद आते हो। और कौन लड़की ऐसा नौकर खोना चाहेगी यार, इसीलिए वो शादी के लिए तुम्हें फोर्स करती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। लड़की पटाने के साइकोलॉजिकल लेक्चर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।